जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून मैं ये क्यों बताऊँ, जो मेरे मन में है वो तो महाराष्ट्री खुद बताएंगे ना। मैं अगर बता दूंगी तो फिर वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्तमान समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश और विदेशों में आज भी उनके करोड़ों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। वैसे तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी वजह से एक 20 साल की लड़की काफी चर्चा में आ गई है। खुद को मेडिकल का स्टूडेंट बताने वाली लड़की ने कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की इच्छा लेकर गंगोत्री बागेश्वर धाम के लिए पैदल कलश यात्रा शुरू की। कलश यात्रा 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी। बागेश्वर धाम के लिए पैदल कलश यात्रा शुरू करने वाली लड़की का नाम शिवरंजनी तिवारी है। शिवरंजनी मध्य प्रदेश के शिवनी जिले की रहने वाली है। शिवरंजनी खुद को मेडिकल का स्टूडेंट बता रही है, लेकिन कॉलेज का नाम बताने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर वो कॉलेज के नाम को गुप्त ही रखती है। हालांकि उन्हें कॉलेज में एडमिशन लिए 1 साल हो गया है। शिवरंजनी की कलश यात्रा में गंगाजल भरा है, उनके साथ परिवार भी कलश यात्रा में शामिल हुआ है। पूरा परिवार दिन में सुबह से लेकर शाम तक कलश यात्रा करता है, शाम को किसी आश्रम में विश्राम करते हैं और संतों का आशीर्वाद लेते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाली शिवरंजनी एक भजन गायिका भी है, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। कलश यात्रा के दौरान वो भजन भी गाती है। शिवरंजनी तिवारी चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची हैं, जहां चित्रकूट के साधु संतों के समक्ष भजनों का गायन करते हुए मनोकामना पूर्ति हेतु साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि जब से ये कलश रखा है तब से तरह तरह की बातें हो रही हैं। हर कोई कहता है कि मैंने यात्रा इसलिए शुरू की है क्योंकि मनचाहा वर पाना चाहती हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेकर जा रही हूँ, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री के गले में डालने वाली हूँ। महाराज श्री अंतर्यामी है और प्राणनाथ है, भगवान है, वो मेरे मन की बात जान लेते हैं। सभी से कहना चाहती हूँ कि 16 जून तक इंतजार कीजिए, उस दिन वो मेरे साथ लाइव होंगे और वो खुद ही बता देंगे। मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने सर में कलश रखा है तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज़ में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहां से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। ये बताएं, आपके मन में ऐसा कोई भाव है क्या? मैं ये क्यों बताऊँ, जो मेरे मन में है वो तो महाराष्ट्र खुद बताएंगे ना। मैं अगर बता दूंगी तो फिर वो नहीं नहीं कुछ बातें राजी है। महाराज जी तो सबके मन की भाव का भाव जानते हैं, लेकिन स्वयं के मन का भाव तो स्वयं ही जाना जा सकता है। हाँ, तो उसको मैं तो जानती उसको आप प्रकट कर देना। नहीं, मैं प्रकट करना नहीं चाहती। ये तो उनकी अपनी प्रतिज्ञा है या हम लोगों का प्रश्न है, ये तो नहीं बता सकते। परंतु अगर इस तरह के संयोग होते हैं तो दैवी संयोग होते हैं। ये चित्रकूट के संतों का आशीर्वाद तो है ही है, ये सब संयोग भी दैवी होते हैं। अब बस लोग इंतजार कर रहे हैं 16 तारीख का, जब कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में शिवरंजनी बाबा बागेश्वर से शादी करती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।